हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम जो आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे उसे आप व्रत में बनाकर खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो चलिए इस आसान से व्रत के खाने को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए तो बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी समा का चावल लिया है। व्रत में ये खाया जाता है, छोटा छोटा सरसों के दाने के जैसा ये चावल दिखता है। तो सबसे पहले इसको मिक्सी के जार में डालकर इसको बिल्कुल बारीक हम पीस देंगे। अगर आपके पास पहले से समा के चावल का आटा हो तो आप उसका यूज भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक इसको हमने पीस लिया है। तो अब इसे एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। और अब यहाँ पर एक हमने मीडियम साइज का कच्चा आलू लिया है, आलू को छील लिया है और इसको मीडियम वाले छेदों की तरफ से ग्रेट कर लेंगे, जिससे आलू के हमें पतले पतले लच्छे मिल जाएंगे। तो ये देखिए इसी तरह से पूरे आलू को हम ग्रेट कर लेंगे और दो से तीन बार इसे अच्छे से धुल लेंगे, जिससे आलूओं में जितना भी स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। तो ये देखिए आलूओं को हमने धुल लिया है, पानी बिल्कुल साफ है, इसका स्टार्च निकल चुका है। तो अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में एक चम्मच हमने देसी घी लिया है। घी गर्म हो जाएगा तब इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है ग्रेट करके इसको भी डाल देते हैं, तीन से चार हरी मिर्च हमने डाल दी है जो कि थोड़ी सी लाल हो गई है। नाश्ता देखने में लाल मिर्च से अच्छा लगेगा। तो सभी को कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। अब जिस कटोरी से हमने चावल लिया था उसी कटोरी से एक कटोरी इसमें हम पानी डाल देंगे और साथ में ग्रेट किया हुआ आलू भी डाल देते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और पानी में एक उबाल आने देंगे। इसी में हम डाल देते हैं चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर और कटा हुआ हरा धनिया और आधा चम्मच इसमें हम व्रत वाला नमक भी डाल देते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। इसमें हमने वही चीज़ें डाली हैं जो कि व्रत में खाते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ व्रत में नहीं खाते हो तो वो मत डालिएगा। तो पानी में एक उबाल आ चुकी है। तो अब जो चावल का आटा हमने तैयार किया था उसको डाल देंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और एक साथ सारा आटा नहीं डालेंगे, पहले आधा आटा डाल के मिक्स करेंगे और उसके बाद बाकी का आटा भी हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बहुत जल्दी से चावल का आटा पूरा पानी सोख कर लेता है। तो ये देखिए ये बिल्कुल डो की तरह से बनने लगा है। तो एक कटोरी चावल के आटे के लिए हमने एक कटोरी पानी लिया था। चावल के आटे का डो बनकर तैयार है। गैस को बंद कर देते हैं और 10 मिनट के लिए इसे ढककर रख देते हैं। 10 मिनट बाद ये हल्का सा ठंडा भी हो गया है। तो अब इसमें दो बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली का पाउडर डाल देंगे। तो तवे पर मूंगफली को हमने रोस्ट कर लिया था, छिलका उतार कर इसको दरदरा पीस लिया है, इसको भी मिक्स कर देंगे। इससे नाश्ते में बहुत बढ़िया क्रंच आएगा और नाश्ता टेस्टी भी लगेगा। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारे नाश्ते का डो बनकर तैयार है। तो अब यहाँ पर हमने एक प्लेट ली है, उस पर डो को रखेंगे और हाथों से ही इसको फैला लेते हैं। तो ये इसको हमने स्क्वायर शेप में फैला लिया है और आधा इंच इसको हमने मोटा ही रखा है। तो अब एक कटोरी से इसको फ्लैट कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको अच्छे से हमने फैला लिया है। तो अब इसके हम पीस कर लेते हैं। तो जैसे चाहें आप छोटे बड़े इसके पीस कर सकते हैं, पर आज इसके हम ट्रायंगल शेप में पीस कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम कट कर लेते हैं। तो ट्रायंगल शेप में हमें इसके पीस मिल जाएंगे। तो चलिए उठाकर भी हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल भी ये प्लेट में चिपकता नहीं है, बहुत आसानी से ये निकल जाता है। तो ये देखिए इसी तरह से सारा नाश्ता बनाकर हम तैयार करेंगे। आप चाहें तो इस तरह से इन्हें बनाकर पहले से भी रख सकते हैं और जब आपको खाने हो तब आप इन्हें फ्राई कर लीजिए। तो चलिए सारा नाश्ता बनकर तैयार है, अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो आज इस नाश्ते को हम सैलो फ्राई करेंगे, बहुत कम घी में इनको हम बनाकर तैयार करेंगे। तो पैन में घी गर्म होने के लिए हमने पहले ही रख दिया था, घी अच्छा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें नाश्ते के हम पीस डाल देते हैं। तो एक बार में जितने पीस पैन में आते हैं आप उतने डाल दीजिए, और जब एक साइड से हल्का सा इन पर कलर आ जाए तो इन्हें पलट देंगे, दूसरी साइड से भी इन्हें
हम फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से उलट पलट करते हुए बढ़िया क्रिस्पी होने तक इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया इन पर कलर आ चुका है। और इस नाश्ते को हम घी में बनाकर तैयार कर रहे हैं क्योंकि व्रत में घी खाया जाता है। अगर आप चाहें तो इसे तेल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया नाश्ते पे कलर आ चुका है। तो एक से दो बार इन्हें उलट पलट करके और क्रिस्पी होने तक इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो इस नाश्ते को हमने चावल से बनाया है, तो चावल से बना हुआ नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। तो ये देखिए दोनों साइड से बढ़िया सा इन पे कलर आ चुका है। तो इनको हम निकाल देंगे और बाकी का जो नाश्ता है उसको भी हम बिल्कुल इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अगर आप व्रत में ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना चाहते तो एक बार आप इस नाश्ते को बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसकी हम आवाज़ भी आपको सुनाते हैं। ये देखिए ऊपर से ये जितना ज़्यादा कुरकुरा है अंदर से ये उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और आज की आपको हमारी ये व्रत की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।